फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ लौटे हैं। सर्दियों का मौसम है, गाजर आती है जो कि खाने में बहुत हेल्दी है और आयरन से भरपूर है, सबको पसंद भी है। तो आइए हम चलते हैं गाजर की तरफ हलवा बनाने के लिए। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने 1 किलो गाजर लिया है। अब इसको हम एक एक करके अच्छे से साफ करेंगे। तो उसके लिए हमने एक प्लेट ली है। इसी तरीके से हमको सारी गाजरें साफ कर लेनी है, पर ये हम कसने में निकाल देंगे। इस तरीके से सारी गाजर हमको छील के अब हम इसको पानी में धुलेंगे। उसके लिए हमने एक भगोना पानी लिया है। सारी गाजर को हम इस भगोने में डाल देंगे। फिर हम इसको अच्छे से धुल लेते हैं। देखते हैं अगर जो हमारा पानी ज़्यादा गंदा है तो इसको पानी को हम चेंज करके एक पानी से और धुल लेंगे। ये पानी हमारा गंदा हो गया, इसको हम पानी को चेंज कर लेते हैं। अगर जो हमारा दूसरे पानी में भी अगर जो ये गंदा हो रहा पानी तो हमको इसको फिर से चेंज कर लेना है। अच्छे से साफ इसको अच्छे से इस तरह से धुल के साफ कर लेना है। जिससे कि इसमें हल्की सी भी मिट्टी ना आ जाए, क्योंकि तो अगर जो हल्की सी मिट्टी रह जाता तो खिसकने में खिसक जाता है हलवा और खाने में फिर बहुत ही ख़राब लगता है, सारी मेहनत बेकार हो जाती है। गाजर हमारी ये धुल के अच्छे से साफ हो के तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम चलते हैं। इसमें कद्दूकस लगा के इसको हम कसेंगे। गाजर कसने के लिए हमने या ना महीन वाला लगाया लगाना है और ना ये मीडियम वाला लगाना है, ये बड़ा वाला हमें लगाना है। इससे हम कद्दूकस करेंगे, क्योंकि अगर जो हम उससे कद्दूकस करते हैं मीडियम वाले से या महीन वाले से तो हमारा ये हलवा भुरता हो जाएगा। इसको हम छोड़ देते हैं। ये देखें कितने बड़े बड़े लच्छे हैं। इसी तरीके से हमको सारी गाजर जो है कस लेना है। हमने सारी गाजर कस लिया है। अब हम गैस के पास चलते हैं। दिया उस पर कढ़ाई रख दिया और ये जो हमने कसी हुई गाजर है ये सारी गाजर हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम 1 गिलास दूध डाल देंगे। इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे दूध को। दूध डालने से जो है गाजर जो है ये हमारे अच्छे ही अलग अलग दिखेंगे, बहुत ज़्यादा गलेगा नहीं। अपर दूध जो हम नहीं डालते हैं तो ये हमारे जो लच्छे हैं ये एकदम से मिक्स हो जाएंगे, तो फिर खाने में इतना टेस्टी नहीं लगेगा, इसलिए इसमें 1 गिलास दूध डाला है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। ढकने के बाद हम इसको खोल के चलाते हैं और फिर इसको इस बार एक बार और इसको ऊपर से नीचे सब गाजर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अभी ये हल्की सी कड़ी है, इसको एक बार और हम ढक देते हैं और तब तक हम गोंद फ्राई करते हैं। गोंद तलने के लिए हमने इसमें रिफाइंड डाला है। इसमें कड़वा तेल आप नहीं डाल सकती हैं, क्योंकि हलवे में कड़वा तेल नहीं अच्छा लगता है, तो आप रिफाइंड या डालडा घी यूज कर सकती हैं। ये खाने वाला गोंद हमने लिया है 100 ग्राम और इसको इसके हमने बारीक बारीक टुकड़े करके
धूप में सुखा लिया जिससे कि अच्छा सा फूल जाए। तो अब हिंज को तलते हैं। कढ़ाई हम एक बार चेक करके देख लेते हैं, अभी थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा और हो जाए फिर तलते कढ़ाई हैं। लगभग हो चुकी है, अब इसमें हम फोड़ कर डाल के इतना से फ्राई कर लेते हैं। और गैस को सिम कर देना है, नहीं तो गोंदे लाल हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। बहुत डार्क हमको नहीं करना है इसका कलर, हल्का सा वाइट ही रखना है। यह हो चुका गोंद, अब हम इसको निकाल लेते हैं। एक गोंद फ्राई हो चुका है, अब चलिए हलवे को एक बार चेक चेक कर लेते हैं। ये हो गया है गाज, अब इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। हम गाजर को थोड़ा सा किनारे कर देते हैं साइड में, और इतनी शक्कर हमें एक बाउल डाल देना है इसमें। और अगर जो मीठा थोड़ा ज़्यादा खाना चाहती हैं तो थोड़ी सी और शक्कर ऐड कर दीजिए। अब इसको हम चारों तरफ से ढक देते हैं जिससे कि शक्कर हमारे गल जाए। जब तक हमारी शक्कर गलती है तब तक हम खोया रेडी कर लेते हैं। तो हमने खोया 300 ग्राम खोया लिया है, इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं अच्छे से। खोया मैंने कद्दूकस कर लिया है जिससे कि इसकी गिल्टी सब खत्म हो चुकी है। अब आइए चलते हैं, हम देखते हैं गाजर का हलवा शक्कर हमारी गली कि नहीं गली। शक्कर हमारी लगभग गल चुकी है, अब हम इसको चारों तरफ से मिक्स कर देते हैं शक्कर को। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें पानी छूट रहा है तो हम इस पानी को जो है हल्का सा जला देते हैं गैस को फुल करके। पानी लगभग ये हल्का सा कम हो गया है, अब इसमें हम खोया ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने 100 ग्राम काजू लिए हैं, इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। और जो गोंद हमने तल के रखा था वो गोंद हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसी को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
हलवा लगभग तैयार हो चुका है खाने के लिए। हलवा रेडी है, अब इसको हम सर्व करते हैं। इसमें गोंद से थोड़ा गार्निश कर देते हैं और बादाम लगा देते हैं इसमें। हलवा खाने के लिए रेडी है। अगर जो आप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कराएं, जिससे वो लोग भी इसका लुत्फ उठा सकें। थैंक्स।